सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा वायरल आई मेकअप हैक। तो देख सकते हो आप, इस तरीके से इस लड़की ने बहुत सारे आई शेडोज अप्लाई किए हैं एंड इसको एक साथ ब्लेंड किया है और इसकी जो ब्लेंडिंग है बहुत अच्छी हुई है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो चलो हम भी ट्राई करते हैं ये हैक वाकई में काम करता है या नहीं करता है। तो हम जो है आई मेकअप करेंगे, जो वायरल हैक है उसको टेस्ट करेंगे, बट आई मेकअप प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आईब्रोज को फिल कर देंगे और यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपको प्रोडक्ट भी बताती रहूँगी, क्योंकि जो मेरी शॉर्ट्स वीडियोस होती हैं उसमें आप लोग काफ़ी कमेंट करते हो कि प्रोडक्ट नेम बताइए। तो आई मेकअप का जो ये आईब्रोज का प्रोडक्ट है, यह है म्यूज़िक फ्लावर का ब्राउन कलर। इसके बाद देखिए, इस तरीके से आईब्रोज को फिल कर देंगे और आईब्रोज जब आप फिल करते हैं ना तो थोड़ा सा डार्क लगती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंसीलर की हेल्प से इसको क्लियर बनाएंगे, शार्प बनाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हमारा जो है वो आई बेस भी बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ क्राइलॉन का बेस, जो कि बहुत ही अच्छे बेस होते हैं। एंड आई आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास हुडेड आईज़ है, बहुत छोटी आई है, बिग आई नहीं है। और अपर साइड से भी हम इसको इस तरीके से क्लीन करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जैसे आपका जो आईब्रो का प्रोडक्ट है ना, थोड़ा सा भी अगर बाहर लगा होगा, मोटी पतली हुई होगी, तो कंसीलर से आप उसको जो है करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे और अब आप देख सकते हो कि हमारी जो आईब्रो है वो कितनी परफेक्ट बनी है, ठीक है। अब इस बेस को हम एक बार कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर देंगे और उसके बाद हमारा स्टार्ट होगा जो वायरल हैक है, उसको हम टेस्ट करेंगे कि ये वाकई में काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर लेंगे आई शेडो पैलेट और उसमें से हम कलर उठाएंगे, ब्राउन की फैमिली उठाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो ये डार्क ब्राउन कलर है, इसको आउटर कॉर्नर पर इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ मैं, दो तीन कोट में अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद आप देख सकते हो एक लाइटर शेड में लूँगी यहाँ से और इसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी। एप्लीकेशन जब आप करोगे थोड़ा सा तिरछे में करना, एकदम स्ट्रेट मत करना, ठीक है। अब देखिए, दो कलर डाल दिए हैं, तीसरा मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, ये ब्राउन में है बट सिमरी कलर है, इस तरीके से यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद जो है अंदर से मैं यहाँ पर लाइट कलर का डालूंगी, ये कॉपर कलर का, ठीक है। अब इसको ब्लेंड करना है, तो जैसे हमने सिमर से डाले ना, वहाँ से पहले आप ब्लेंड मत करना, आउटर से ब्लेंड करना, ठीक है। सिमर वालों को लास्ट में ना करना, कि अगर आप सिमर से स्टार्ट करोगे तो फिर आउटर में भी वो सिमर लग जाएगा, ठीक है। अब ब्लेंड हमने यहाँ पर किया है तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आया है। ये जो वायरल हैक ये सच में काम करता है, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो वायरल हैक तो हमने यहाँ पर ट्राई कर दिया है, अब हम इस आई मेकअप को कम्प्लीट कर लेते हैं। कम्प्लीट करने के लिए अब हम यहाँ पर विंग्ड लाइनर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हुडेड आइज है, हुडेड आइज में आपको चाहिए होता है कि आप पतला जो है लाइनर है उसको क्रिएट करें, विंग लाइनर, क्योंकि जब हम मोटा लाइनर लगाते हैं हुडेड आइज में तो चांसेस ज़्यादा होते हैं उसके छपने के, वो ऊपर छप जाता है, ठीक है। और आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि हुडेड आइज में जब भी आप जेल लाइनर का यूज़ करते हो ना, तो उसको लिक्विड लाइनर से लॉक जरूर से कर लेना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक और वायरल हैक को टेस्ट करेंगे, जो कि है मस्कारा का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मस्कारा पे जो है कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेंगे, मतलब मस्कारा की जगह हम अपनी आईलेसेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, इस तरीके से बहुत अच्छे से आपको लगाना है। अब इसके बाद क्या करोगे, मस्कारा की कोटिंग करोगे आईलेसेस पर इस तरीके से, पहले ऊपर से नीचे की ओर करोगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर करोगे। तो जो वायरल हैक है उसमें ये दिखाया जाता है कि अगर आप इस तरीके से मस्कारा करते हो तो आपकी जो आईलेसेस हैं वो बिल्कुल फॉल्स जैसा लुक देती है। तो मुझे भी ये हैक बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से करने से मस्कारा की जो पकड़ है वो आईलेसेस में ज़्यादा थिक हो रही है, इस वजह से जो आईलेसेस है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, घनी और जो है कर्ल वेव आ रहा है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको फॉल्स आईलेसेस लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये हैक भी यहाँ पर मेरे हिसाब से पास हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत कंसीलर लगा होगा आईब्रोज पे उसको हम साथ ही साथ क्लियर करते जाएंगे। एंड इसके बाद क्या करेंगे, इनर कॉर्नर पर हम थोड़ा सा हाइलाइटर एंड ब्रो बोन को जरूर से हाईलाइट करें, क्योंकि जब भी आप आई मेकअप करते हो तो ब्रो बोन का हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, आई मेकअप में बहुत अच्छा जो है लुक आता है उससे, ठीक है। अब देखिए, एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट है उसको हम क्लीन कर देंगे साथ ही साथ, ये देख सकते हो, और हमारा जो आई मेकअप है बहुत ही प्रिटी लग रहा है यहाँ पर। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आई मेकअप कैसा लगा, और ऐसे ही और भी ज़्यादा वायरल हैक को हम टेस्ट करेंगे, उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।